मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस टाइप का वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लेना है, जो आपको 5 से 7 सेकंड के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो आपने मोबाइल फ़ोन से शूट की है वो वीडियो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस टाइप का वीडियो हमने अपने मोबाइल फ़ोन से शूट किया था। तो दोस्तों इस टाइप का आपको वीडियो शूट कर लेना है। शूट करने के बाद दो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, वो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद क्या करना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों वीडियो को यदि स्लो मोशन करना है तो स्लो मोशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के लेयर पर फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर फिल्टर पर आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन करना है, तो ग्रीन में सही तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ, तो आपको भी इसी तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इस वीडियो को भी एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर से एक बार हमें बैक करना है। फिर से हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें जो वीडियो बैकग्राउंड में लगाना है वो वीडियो को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देख सकते जो मैं ये वीडियो जो हमें बैकग्राउंड में लगाना है तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें लेयर पर आना है। लेयर पर आने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस वीडियो को हमें फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। और दोस्तों इसके बाद क्या करना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रोमा की का आपको उपयोग करना है। इसके बाद क्रोमा की का यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वीडियो के साउंड को यहाँ से स्टॉप कर देना है। और इसके बाद दोस्तों वीडियो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।